यू आर वॉचिंग इंडी टेक चैनल एंड आई एम विक्स। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है Xiaomi MIUI लॉन्च कर दिया गया है और भारत में अभी तक इसे लॉन्च नहीं किया गया है। तो आज हम जानेंगे इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, कब और कैसे इसे हम डाउनलोड कर सकते हैं। Xiaomi ने हाईली अवेटेड MIUI 9 को लॉन्च कर दिया है। Xiaomi ने 26 जुलाई को MIUI 9 को MI5X स्मार्टफोन के साथ लॉन्च किया। MIUI 9 मूलतः MIUI कस्टम एंड्रॉइड का लेटेस्ट वर्जन है। चीनी स्मार्टफोन निर्माता ने बीजिंग में अपने यूजर इंटरफेस का नया संस्करण दिखाया है। MIUI 9 एंड्रॉइड नोगाट 7.0 पर आधारित है और इसमें तीन विशेषताएं प्रमुख हैं: इमेज सर्च, स्मार्ट असिस्टेंट एंड स्मार्ट एप लॉन्चर। तो विस्तार से जानते हैं इन फीचर्स को। इमेज सर्च फीचर में कीवर्ड में टाइप करके आपकी इमेज को अलग करने की क्षमता है। स्मार्ट असिस्टेंट सुविधा एप्पल स्पॉटलाइट के समान है। यह आपको आपके फोन पर लगभग कुछ भी खोजने में सक्षम बनाता है। आप सीधे होम स्क्रीन पर स्वाइप कर सकते हैं, जो आपको सर्च रिजल्ट्स के साथ ही ऐप और विकेट्स के सुझाव भी दर्शाएगा। स्मार्ट ऐप लॉन्चर डिस्प्ले में मौजूद चीजों पर आधारित ऐप का सुझाव भी देता है। कंपनी ने कहा है कि यहां उल्लेख की गई सभी सुविधाएं केवल चीन रोम में ही उपलब्ध है और ग्लोबल रोम में थोड़ा अलग हो सकती है। लेटेस्ट OS 3 नए थीम के साथ लॉन्च किया गया है, नो बाउंड्रीज, कलर फैंटेसी एंड कूल ब्लैक। इसके अलावा कई नई विशेषताएं हैं जिन्हें आप इसे डाउनलोड करने के बाद ही जान पाएंगे। वहीं Xiaomi का कहना है कि चीन में उपयोगकर्ता 11 अगस्त को MIUI 9 डाउनलोड करने में सक्षम होंगे। Xiaomi MIUI 9 की शुरुआती बीटा संस्करण को एक डेवलपर रोम के रूप में रिलीज किया गया है। हालांकि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह चाइना डेवलपर रोम है और अब तक कंपनी ने ग्लोबल डेवलपर रोम के बारे में कोई खुलासा नहीं किया है। चीन रोम और ग्लोबल रोम एक दूसरे से अलग हैं। Xiaomi MI 9 चीन डेवलपर रोम का पहला बैच Xiaomi MI 6, MI 5X, Redmi Note 4X के लिए जारी किया जाएगा। इसके बाद 25 अगस्त से MIUI 9 चीन डेवलपर रोम फिर Xiaomi MI Mix, MI Note 2, MI 5, MI 5S, SI 5S Plus, MI 5C, MI Max 2, MI Max, MI 4C, MI Note Pro और Redmi 4X के लिए उपलब्ध होगा। लेकिन इसके बाद सितंबर में MIUI के लिए चीन डेवलपर रोम सभी Xiaomi और Redmi फोन्स के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा। So thanks for watching IndieTech channel। आप देखते रहिए मेरे चैनल को और मैं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ हिंदी में लेकर आऊंगा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट टेक्नोलॉजी एंड गैजेट्स।